तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, जो कि अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले भी कई तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी, जो दिग्गजों ने लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लगातार दिग्गज है वो संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्या अपडेट आपके पास और क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए लगातार मतदाताओं में खासा उत्साह है और उत्साह को आप देखने के लिए इस तस्वीर को देखिए कि यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में, कहें तो तमाम पुरुष मतदाता हो, महिला मतदाता हो, युवा मतदाता हो, तमाम मतदाता यहाँ पर पहुँचे हुए। देखिए किस तरह से सुबह से ही कितने उत्साहित है तमाम मतदाता, सुबह से ही यहाँ पर मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ लगी हुई है और हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करना चाहता है। धर्मलाल कौशिक भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँचे हुए। हम इस वक्त मौजूद हैं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 211 में, जहाँ पर कौशिक जी पहुँचे हैं। कौशिक जी, आप भी आज एक महायज्ञ जो हो रहा है उसमें आहुति देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र का महायज्ञ है और सभी की आहुति उसमें आवश्यक है और लोकतंत्र में जो अधिकार दिया गया है अधिकार का उपयोग करना चाहिए। तो मैं भी आज मतदान केंद्र 211 में, जहां मेरा क्रमांक है, उसमें मैं आया हूं और अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ माहौल आपको नजर आता है, क्योंकि लगातार आपने जनसंपर्क किया, दौरा किया? जनता में काफ़ी उत्साह है और आप देख रहे हैं कि क्यू में लाइन में लोग खड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी अधिकारी लोग यदि करेंगे तो और अच्छा होगा। और रुझान की जहां तक बात है तो आप समझ रहे हैं कि लोग मन बना लिए हैं, भाजपा की सरकार बनेगी और दोबारा हमको जनता का आशीर्वाद यहां से मिल रहा है, निर्वाचित होकर के भेजेंगे। क्या लगता है, बिल्हा विधानसभा अब मौजूदा विधायक भी हैं, इसके बाद पूरे प्रदेश की राजनीति, क्योंकि आप पूरे प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, कहां आकलन करते हैं, क्या पाते हैं भाजपा? देखिए, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और उसमें प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से अपने भावना और बाकी चीज़ों को रखे हैं तो इंतज़ार करेंगे 3 तारीख का। आज शाम तक मतदान होंगे और उत्साह जो बता रहे हैं कि मतदाता कितने उत्साह के साथ में मतदान करने आए हैं, निश्चित रूप से 3 तारीख को पेटी का पेट खुलेगा युवाओं का, तो कमल ही निकलेगा और सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है कि पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण भी वो बढ़त में रहेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए, अब लोगों ने जो वादा खिलाफी किया, बाकी जो चीज़ हैं उसको ठुकरा दिए हैं और जिसका मुखिया ही जो शिरोमणि है वो यदि 508 करोड़ से महादेव में नवाजा जाए तो नीचे उनके कितने करप्शन और भ्रष्टाचार है ये जनता बारीकी से देख रही है। बिल्कुल, तो ये थे धर्मलाल कौशिक जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसी तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं, क्योंकि खास तौर पर अगर बात करें तो आधी आबादी की भूमिका बड़ी हो जाती है, ऐसे में आधी आबादी से ही बात करते हैं। आप भी यहां पर मतदान करने पहुंची हैं, क्या लगता है इस बार किस तरह से आप लोग उत्साहित हैं मतदान करने के लिए? देखिए, मतदान करने के लिए तो हम सब बहुत उत्साहित हैं और 17 तारीख के डेट का वेट भी कर रहे थे अपने अपने सामान्य प्रत्याशियों को मतदान करने के लिए। और ऐसा उत्साह है सामान्य भूपेश बघेल जी के पक्ष में, ऐसा निश्चित है ये 101 कि भूपेश बघेल जी रिपीट करेंगे और बिल्हा से सम्मानीय विधायक प्रत्याशी सियाराम कौशिक जी निश्चित ही बहुत ज़्यादा वोट से जीत के आएंगे। बिल्कुल, ये सब तमाम मतदाता हैं जिनका अपना अपना मत है और भी लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र। कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, ये अवैध नशे का मंडी बना दिया गया है, लोग इससे मुक्ति चाहते हैं।